सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्सेस. तो ये जो मैकेनिज्म है इसके कुछ ब्रीफली पॉइंट्स हैं. नंबर वन, इट प्रोसीड्स वाया SN2 का मतलब बाई मॉलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म. दैट मीन्स कि क्योंकि हम स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है इससे पहले कि जो लीविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप है जो कि ट्रांस लाइगेंड के बिल्कुल ऑपोजिट है. बिकॉज ऑफ द ट्रांस इफेक्ट ऑफ दिस लाइगेंड, स्ट्रांग ट्रांस इफेक्ट, ये वाला एक्स रिप्लेस होएगा. तो जैसे ही आपने वाई को अंदर ऐड करना चाहा, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना चाहा, लाइगेंड को सब्स्टिट्यूट करना चाहा, तो सबसे पहले ये जो मेटल है विच इज हैविंग 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका एक्सपैंड हो जाएगा कोऑर्डिनेशन 4 से 5. ठीक है, ये एरो शो करता है जेड एक्सिस. तो जैसे ही हम इसमें न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे तो ये जो मेटल, क्योंकि इसका जेड पी जेड ऑर्बिटल फ्री है, राइट, यूजिंग द पी जेड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम, ये जो लाइगेंड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसके पी जेड ऑर्बिटल में और यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड बिटवीन वाई एंड मेटल. कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5. ज्योमेट्री इज रिप्लेस फ्रॉम स्केयर प्लेनर टू स्केयर पिरामिड. अब फिर से क्या होगी, ये जो स्केयर पिरामिड ज्योमेट्री है ये ट्रांसफॉर्म होएगी इनटू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट, जिसमें क्या होएगा कि ये जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वाई, वो जो ट्राइंगुलर है उसके बीच में आ जाएगा और जो लाइगेंड जिसको हमने बाय बाय करनी है, जैसे ये टी और एक्स है, तो एक तरफ बेसिकली क्या हो गया, जो हमारा रिमूव होने वाला है लाइगेंड वो आ जाएगा. ठीक है, सो 5 से अगेन यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है बट यहाँ पे ज्योमेट्री वेरी हो गई. दिस इज स्केयर पिरामिडल एंड दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. अब फिर से क्या होगा कि ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल किस में कन्वर्ट होगा, स्केयर पिरामिड में. बट ये भी स्केयर पिरामिड था, ये भी स्केयर पिरामिड था. स्केयर पिरामिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल विच कन्वर्ट्स बैक इनटू स्केयर पिरामिड. बट इन दोनों में फर्क क्या है कि स्केयर में तो लाइगेंड है ही है, जो पिरामिड यानी कि ये जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे इनकमिंग लाइगेंड ने ऑक्यूपाई की हुई थी जो अभी आया था, और यहाँ पे जो आउटगोइंग है जिसको हमने आउट करना है वो बैठा हुआ है. आफ्टर दैट क्या होगा, एक्स रिमूव हो जाएगा और वापस से कौन सी ज्योमेट्री आ जाएगी, स्केयर प्लेनर. तो 4 5 5 5 4. नेक्स्ट, अगर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं एक्सेस में तो सबसे पहले, इससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होए, कौन ऐड हो जाएगा, सॉल्वेंट. तो क्या होएगा, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5 और सॉल्वेंट ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, ये जो फिफ्थ पोजीशन है यहाँ पे सॉल्वेंट आ गया. फिर हमने किसको ऐड किया, न्यूक्लियोफाइल को. न्यूक्लियोफाइल ने आते ही किसको बाहर निकाल दिया, जो लाइगेंड को हमने बाय बाय करनी है. तो वाई रिप्लेसेस एक्स, ठीक है, और उस पोजीशन पे किसको बिठा दिया, सॉल्वेंट को, और सॉल्वेंट की पोजीशन पे कौन बैठ गया, वाई. ठीक है, फिर स्केयर पिरामिड ज्योमेट्री इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, क्योंकि हमने इस वाई को इस एरिया में लेके आना है, ट्राइंगुलर प्लेन में लेके आना है. उसके बाद फिर से क्या बन गया, स्केयर पिरामिड. तो अब किसको बाय बाय करनी है, एक्स तो निकल गया, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज कौन सी है, सॉल्वेंट एस. और लास्ट में अगेन 5 जो ज्योमेट्री है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर विल चेंज इनटू 4. नेक्स्ट क्या है, ये जो पूरी मैकेनिज्म है, इधर इट कैन अकर थ्रू एन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स और थ्रू अ ट्रू इंटरमीडिएट.